दीपावली के अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सुकवंत सिंह का जनसंपर्क दौरा, मुबारकपुर नौगावा में किया गया भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएस न्यूज राजस्थान। खबर है नौगावा से, तो देखिए हमारे संवाददाता छगन चेतीवाल की ये रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा के मुबारकपुर और नौगावा में दीपावली के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुकवंत सिंह ने जनसंपर्क दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबका साथ सबका विकास की थीम पर भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और विकास के कार्यों पर जोर दिया। अग्रवाल धर्मसभा भवन में अग्रवाल समाज ने मुबारकपुर पाटा कॉलोनी में राजस्थान रोडवेज गाड़ी की सुविधा की अपील की। तहसील वासियों ने सुकवंत सिंह का साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष MPS सहित कई पार्टी कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऐसे ही ताज़ा तरीन और आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक जरूर करें। रामगढ़ की दशा दिशा तय करें जी। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जनता का उत्साह, कार्यकर्ताओं को साथ देख रहे हैं। आज दीपावली की राम राम के लिए मुबारकपुर कस्बे में पहुँचे हैं और सभी का उत्साह देख रहे हैं। इस बार हमें जीत नजदीक आने लगी। देखिए, लोग राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ रहे, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई व्यक्ति स्वार्थ से मुझसे जुड़ा हुआ, सब मन से भाव से जुड़े हुए हैं, तो उससे एक राजनीति का अलग स्तर ऊंचा उठ जाता है। उस हिसाब से लोग समर्थन कर रहे हैं, सभी खुद सुखवंत बन के चुनाव कर रहे हैं। जनता का मुझे भरोसा है, इसीलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रत्याशी बनाया। जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो यहाँ सड़क पानी बिजली सब है, और सरकार हमारी है, जमीन हमारी है, हमारी सबसे बड़े हमारे किसान यादव जी का किसानी हम सबको है। उनके आशीर्वाद से बड़े योजनाएं लाएंगे, बच्चे विकास। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सरकार के साथ जाना चाहेगा हर व्यक्ति, क्योंकि लोग विकास को चलते, विकास होगा बिल्कुल होगा, 100% होगा। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, सुकवंत भाई जिंदाबाद, सुकवंत भाई जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, सुकवंत भाई जिंदाबाद, सुकवंत भाई जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।